सऊदी अरब ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए जिस पहल की शुरुआत की है उसकी उम्मीद भारत से की जा रही थी। कहा जा रहा था कि भारत के संबंध यूक्रेन और रूस दोनों से अच्छे हैं, इसलिए उसकी विश्वसनीयता इस मामले में ज्यादा मजबूत है। लेकिन भारत अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाया और सऊदी अरब ने इसकी शुरुआत कर दी। रविवार को रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सऊदी अरब की मेजबानी वाली वार्ता पूरी हो गई। अमेरिका, चीन और भारत सहित 40 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक के लिए शनिवार को सऊदी अरब के जेद्दा में जुटे। इस बैठक में शामिल होने वाले देशों ने युद्ध का समाधान खोजने तक बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। रूस ने इस बातचीत में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वह इस बातचीत पर करीब से नजर बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन अभी तक उस पड़ाव पर नहीं पहुंचे हैं जहां उन्हें एक मेज पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़े। दोनों में से कोई भी अभी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ऐसे माहौल में कूटनीतिक रास्तों से युद्ध की तबाही और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को सीमित करने या कम करने में मदद की जा सकती है। रूस के भारत के साथ पुराने रिश्ते हैं और इसका ख्याल रखते हुए भारत रूस के हमले की खुलकर निंदा करने से परहेज करता रहा है। साथ ही यूक्रेन के लिए भारत ये कहता रहा है कि वह युद्ध का समर्थन नहीं करता। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते साल नवंबर में एक लेख में लिखा था जिसके मुताबिक बीते साल की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति वार्ता की मेजबानी करने की इच्छा जाहिर की थी। ये प्रयास कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि पश्चिमी देश भारत को दोनों देशों तक पहुंचने के लिए रूस यूक्रेन को एक मेज पर लाने वाले देश के रूप में देख रहे हैं। भारत लंबे समय से रूस और पश्चिम के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब भारत दोनों ही देशों के साथ इतने बेहतर संबंध रखता है और ऐसा करने से भारत की छवि वैश्विक शक्तियों के बीच और भी प्रभावी हो जाती, तो फिर भारत ने वो क्यों नहीं किया जो आज सऊदी अरब कर रहा है। जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार इस सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, बातचीत उस स्थिति में होती है जब कोई पक्ष समझौता करने को तैयार होता है। भारत को पता था कि जब शांति वार्ता होगी तो वो ना तो रूस को उन इलाकों से वापस हटने पर राजी कर पाएगा जिन पर उसका कब्जा है और ना ही यूक्रेन अभी भी तथा स्थिति को बनाए रखने के लिए तैयार होगा। इसके साथ ही भारत G20 का आयोजन कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर भी भारत के पास काम करने को बहुत कुछ है। ऐसे में शांति वार्ता की पहल करने के लिए भारत की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। जेद्दा की इस बैठक में ऐसा पहली बार हुआ कि चीन ऐसे किसी फोरम में शामिल हुआ जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो रही हो। विश्लेषकों और पश्चिमी देशों के अधिकारियों का कहना है कि चीन की उपस्थिति सुनिश्चित करने में सऊदी कूटनीति महत्वपूर्ण रही है। आखिर सऊदी अरब ये वार्ता क्यों करवा रहा है? इसके जवाब में विश्लेषक दानिया कोलिलाट खदीब ने कहा कि सऊदी अपने मित्र देशों में विविधता लाना चाहता है और अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह ऐसा करने में सफल रहा है और वह चीन रूस के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर सका है। ये सऊदी की इसी क्रम में नई कोशिश है। हालांकि प्रोफेसर राजन कुमार इससे थोड़ी अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं कि सऊदी ने यह बैठक अपनी विश्वसनीयता और साख को बढ़ाने के लिए की। वो एक ऐसे देश के रूप में खुद को दर्ज कराना चाहता है जो वैश्विक ऑर्डर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बैठक सऊदी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए की, क्योंकि बीते कई दिनों से सऊदी और अमेरिका के बीच रिश्तों में असहजता आई है।